की बात तो है ही, तो कम से देखिए पेपर लीक जो होता है ना, तो पढ़ने का जो लेवल है कॉन्फिडेंस लेवल पहले गिरता है मनी के, और जब गिरता तो समझे कि क्या होगा, तो इसके लिए जांच जरूरी है। देखिए मैम, दुख की तो बात रहेगी ना, हम लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे भेजा फोड़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन लीक हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे। सरकार तो कहती है कि बार बार कि हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तरीके से लेंगे, लेकिन ये सब जितना भी करप्शन होता है ना, सब विभाग से ही होता है। इससे तो बढ़िया है कि बेटर एग्जाम ही नहीं कोई ले। हम सरकार से कहेंगे अगर सिविल सर्विस को बेचना है तो जिले जिले जाकर वो कैंपेन लगा दे और अपने पैसे से ही सिविल सर्विस को बेचे। पैसे से देकर उसका आराम से जॉब हो जाता है और अच्छे बच्चे मार खा रहे हैं, हम लोग का उम्र भी बीतता जा रहा है, हर चीज़ बीतता जा रहा है। रद्द नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि हम लोग जेन्युइन मारे होंगे और वो अटेम्प्ट ले लिए होंगे 150 के 150, तो उसी का ना होगा, हम लोग का होगा। बहुत बहुत मेहनत किए थे, पेपर लीक होने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता है, लड़के बहुत हार्ड मेहनत करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रुति। देखिए बीएससी का एग्जाम है जो कि पेपर लीक हो गया है, इसके बाद ऐसे में जो छात्र है वो काफ़ी दूर दराज से आते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, ऐसे में वो इसको कैसे देखते हैं, आइए बात करते हैं। बीएससी का पेपर लीक हो गया, इसको कैसे देखते हैं, सबसे पहले कहाँ से आए हैं आप? देखिए हम आए हैं सासाराम रोहतास जिला से, ठीक, हम लोग प्रॉपर सासाराम के रहने वाले नहीं है, थोड़ा गाँव देहात के हैं, वहाँ से हम लोग चल कर लगभग 200-250 किलोमीटर हम लोग दूरी पर आए हैं। तो हम लोग का आज 24 तारीख है, आज परीक्षा था फर्स्ट पाली में, और कल दो पाली में पेपर था, तो कल दोनों पेपर लीक हो गया है। तो इस पर कैसे देखते, पेपर लीक हो गया, इतना मेहनत करते हैं? देखिए कंपटीशन की तैयारी अगर कोई भी करता है तो उसमें 99% आप लोग देखिएगा तो उसमें गरीब घर के लड़का कॉम्पटिशन की तैयारी करता है, और इस देखिए पेपर लीक होता है तो इसमें दुख के तो बात है, इस पर सरकार का सबसे बड़ा गलती है। और देखिए मंत्रिमंडल हो, राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार भी इसमें इसका जिम्मेदार है, विपक्ष आ रहा है तो बोलता है तो अजीब नहीं लगता है कि बिहार में कोई भी ऐसा एग्जाम होता है कंपटीशन का और पेपर लीक हो जाता है? अजीब नहीं है जी, हमारे राज्य का बदनाम है, राज्य सरकार का बदनाम है, और स्टूडेंट इतना मेहनत कर रहा है, अरे तो देखिए वही ना बात है, खुद राज्य सरकार ही इस देखिए मुख्यमंत्री को तो नहीं कहेंगे, इसका मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल इसका विस्तार कर रहा है चोरी करने वाला। मतलब बहुत दुख की बात है, पेपर बात है। कहां से आप हैं? हम भी सासाराम रोहतास जिला से हैं। और कब से 8 साल के बाद बीएससी का एग्जाम हुआ और कितना मेहनत किए थे? बहुत मेहनत किए थे, पेपर लीक होने के बाद बहुत दुख हुआ, बहुत दुख होता है, लड़के बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत दूर दराज से लोग चल कर आए हैं, पेपर लीक हो जाने के बाद बहुत लड़के निराश हो गए हैं, क्या किया जाए, दुर्भाग्य है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। और क्या वो लोग कहाँ से आप हैं? हम मुंगेर से आए हैं। और पेपर अब लीक हो गया, बहुत मेहनत किए होंगे, लेकिन मेहनत तो करने के बावजूद पेपर लीक हो गया, इतना बार देखिए हम लोग कितना भी अटेम्प्ट लेंगे जनरल स्टूडेंट तो उतना तो पहुंच नहीं पाएंगे, वो लोग पेपर लीक करने के बावजूद भी वो लोग तो मार देंगे, वो लोग को मिला होगा जो सेटिंग करने वाला आदमी है, किसका को ये दोषी मंत्रिमंडल के ऊपर निर्भर करता है ना कि आप कहाँ से लीक करवा रहे हो, उनके ऊपर जांच कमेटी बैठाया जाए और इनको रद्द करके फिर से एग्जाम लिया जाए। तो हम लोग मतलब आप चाहते कि एग्जाम अब रद्द हो जाए? हाँ, एग्जाम क्यों नहीं रद्द हो, रद्द नहीं होगा तो हम लोग को उपाय नहीं है ना, रद्द नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, कि हम लोग जेन्युइन मारे होंगे और वो अटेम्प्ट ले लिए होंगे 150 के 150, तो उसी का ना होगा, हम लोग का होगा, यही बात है। देखिए पढ़ने को कोई कितना तेज रहे, कमजोर छात्रों को अगर पेपर मिल जाए तो पढ़ने वाला छात्रों को नहीं होगा, अनपढ़ जो कम पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला उसी का नौकरी होगा, इसलिए पढ़ा हुआ लड़का सब रोड पर घूम रहा है और नहीं पढ़ने वाला लड़का जॉब में कर रहा है। हम सरकार से कहेंगे अगर सिविल सर्विस को बेचना है तो जिले जिले जाकर वो कैंपेन लगा दे और अपने पैसे से ही सिविल सर्विस को बेचे, का जरूरत है फॉर्म निकालने का, जॉन फॉर्म निकलता है तो सब पेपर लीक हो जाता है। कहाँ से आप हैं? सासाराम से। और पेपर लीक हो गया है, काफ़ी मेहनत किए होंगे पे एग्जाम के लिए? मेहनत तो आदमी करता है लेकिन इस पर सरकार ध्यान देगी तब ना, नाम जब आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, एक एक अधिकारी 7-8 साल से। लेकिन अब तो अब इस पे जो पेपर लीक हुआ है उस पे अब वापस से कार्रवाई की जा रही है, जांच किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पेपर कल का पेपर लीक हो गया। वैसा देखिए वैसा कुछ नहीं है, कल रात में करीब 11 बजे नोटिस आता है, उस नोटिस में कहा जाता है जो बिहार एसएससी के जो चेयरमैन है वो बोलते हैं कि इसमें ये 12-15 के बाद में क्वेश्चन लिखा हुआ है, जबकि 10:30 बजे ही क्वेश्चन सर्कुलेट हो गया था।
और वो बोलते हैं कि 12-15 के बाद हुआ है, यानी वो दिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। उनका कहना ये है, काफ़ी दुख की बात है कि हर बार बिहार में ऐसे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं और आए दिन पेपर ऐसा लीक हो जाता है। देखिए मैम, दुख की तो बात रहेगी ना, हम लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे भेजा फोड़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन लीक हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जब पैसा, कहाँ से आप हैं? चंपारण मोतिहारी से हैं। और BSCC का पेपर जो है वो लीक हो गया है, कल एग्जाम था लेकिन पहले पाली और दूसरे पाली का पेपर लीक हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं? मैम ये तो हमारे बिहार राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि सरकार तो कहती है कि बार बार कि हम क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तरीके से लेंगे, लेकिन ये सब जितना भी करप्शन होता है ना, सब विभाग से ही होता है। इससे तो बढ़िया है कि बेटा एग्जाम ही ना कोई ले, एग्जाम ही ना ले, आदमी इससे तो पता चले कन्फर्म हो जाएगा ना। दो दो दिन सफ़र करता है आदमी, इतना खर्चा करता है, फिर भी एग्ज़ाम कोई कुछ नहीं होता है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो आराम से पैसे से देकर उसका आराम से जॉब हो जाता है, और अच्छे बच्चे मार खा रहे हैं। हम लोग का उम्र ही बीतता जा रहा है, हर चीज़ बीतता जा रहा है, घर वाले का हमेशा प्रेशर रहता है हम लोग पर। घर वालों से प्रेशर रहता है कि एग्ज़ाम दो, नहीं एग्ज़ाम की आप लोग को नौकरी क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन घर वाले समझते नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, करप्शन हो रहा है, ये तो सब सरकार की जिम्मेवारी है सब। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देखिए BPSC का घोटाला हुआ, हर चीज़ में घोटाला हुआ, लेकिन अभी सरकार सुधार ही नहीं रही है थोड़ा भी। बहुत दुख की बात तो है, तो कम से देखिए पेपर लीक जो होता है ना, तो पढ़ने का जो लेवल है कॉन्फिडेंस लेवल पहले गिरता है मनी के, और जब गिरता तो समझिए कि क्या हुआ, तो इसके लिए जाँच जरूरी है, हम तो यही कह रहे हैं। लेकिन जांच कार्रवाई जो है वो अब शुरू हो गई, इस पर जांच भी हो रहा है। हाँ एकदम, इस पर जांच हो गई तो बहुत बढ़िया बात है, होना चाहिए, उसका जांच एकदम होना चाहिए, जरूरी है। इस पर CBI जांच होना चाहिए, कठिन तरह से CBI जांच होना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं तो जो पकड़ा जाए, बड़ा नेता हो छोटा नेता हो आम आदमी हो, उसको पूरा कड़ा सजा दिया जाए। देखिए कार्रवाई करना है तो आज ही कर दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ताकि लड़का प्रिपरेशन करना चालू कर देगा। आप कब से BSCC का प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम तो लगभग इसका बहुत दिन से, 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम आया उसके बाद और भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज ये सब मारने लगे, सेट मारने लगे, यही है। और अब पेपर लीक हो गया, और बिहार में देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा एग्ज़ाम होता है तो न्यूज़ आता है फिर कि पेपर लीक हो गया है। नहीं हम सारा एग्ज़ाम का तो नहीं कह सकते, मगर इसका सोशल मीडिया पे यहाँ तक कि कल एक नोटिस आया, नोटिस में भी सरकार इस बात को घोषित किए हैं कि मतलब खुफिया से पता चला है कि 8-4 कुछ ही ऐसा कुछ एक्टिविटी किया गया है किसी के द्वारा, मगर अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा है हम लोग के लिए, कि अगर इसको कैंसिल किया जाए तो जल्द से जल्द कैंसिल करके डेट दिया जाए, नहीं तो फिर इसको कब तक एक्सटेंड करेगा, क्या करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो BSCC का एग्ज़ाम देने के लिए बिहार के कोने कोने से आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा दुख व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरह से पेपर लीक हो गया और किस तरह से गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम कैंसिल कर दे या फिर इसको कैसे एक्सटेंड करना है उस पर जल्द से जल्द नोटिस जारी किया जाए, बच्चों को जल्द से जल्द इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो आगे की जो पढ़ाई है उसको पूरी कर सके। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं वो काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, लेकिन जब ऐसी न्यूज आती है कि पेपर लीक हो गया है तो वो काफी ज्यादा दुखी है और काफी ज्यादा मायूस है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी पेपर लीक हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।